आइए दोस्तों, आपको लेके चलते हैं गुफा में, जहाँ काल भैरव का मंदिर है और यहाँ काल भैरव विराजमान है। तो मंदिर के अंदर चलते हैं, जहाँ ये गुफा है, गुफा के अंदर हम लोग आ चुके हैं। तो देखिए, गुफा में हम लोग चल रहे हैं, थोड़ी दूर पे जाली लगी हुई है, इस जाली से थोड़ा सा उजीता आ रहा है। तो ठीक है, अब लोग यहाँ से चढ़ेंगे ऊपर, थोड़ी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, इन सीढ़ियों से जैसे ही हम लोग ऊपर पहुँचेंगे तो आपको माता शेरावाली के मंदिर के दर्शन होंगे। तो हम लोग ये पहले सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, यहाँ से सीढ़ियों की थोड़ी दूरी पे ही माता शेरावाली का मंदिर है। आप वीडियो पूरा देखते रहिएगा, इसके बिल्कुल नहीं कीजिएगा। इसके नीचे जैसे ही हम लोग चलेंगे, यहाँ काल भैरव जी का मंदिर है, जहाँ उनका ऐसा रूप है, बहुत ही प्रचंड रूप है, जो आपको देख के आपका तन मन पूरा प्रफुल्लित हो जाएगा। और आप वीडियो को देखते रहिएगा। ये देखिए, हम लोग नीचे जा रहे हैं, नीचे जाते ही जस्ट ठीक सामने देखिए काल भैरव जी विराजमान है। ये देखिए कैसे यहाँ पे ये मूर्ति की भव्यता आप देखिए। और इसके बाद हम लोग चलते हैं नीचे की तरफ, नीचे की तरफ चल दिए हैं। ये देखिए सीढ़ियों से हम ऊपर आ रहे हैं, सीढ़ियों ऊपर आते ही जस्ट चढ़ते जाएंगे, उसके बाद आपको शिव जी के मंदिर के दर्शन होंगे यहाँ पे। और इस मंदिर की एक खास बात यह है कि यहाँ से आपको पूरे मंदिर की पूरी भव्यता नजर आएगी। और मंदिर पे बहुत से यहाँ पे शिवलिंग की स्थापना भी है और उनकी मूर्ति भी लगी हुई है। काल भैरव जी का मंदिर नीचे ही था, इसके तुरंत बाद ही ये शिव जी का लास्ट में जहाँ पहुँचेंगे तो यहाँ आपको शिव जी की मूर्ति लगी हुई नजर आएगी। और ये देखिए दान पात्र लगा हुआ है, जिसपे ताला पड़ा हुआ है। और अगर यहाँ से चाहें तो ये देखिए नीचे भी आप जा सकते हैं, और चाहे आप यहाँ से बैग वापस भी, गुफा से वापस भी जा सकते हैं। और मंदिर की खास बात है, यहाँ से आपका पूरे मंदिर की भव्यता नजर आएगी। तो कभी आप आइएगा और यहाँ काल भैरव जी के मंदिर के दर्शन